चेज बंगाल पुलिस का एक रियल स्टोरी है। बंगाल पुलिस ने कुछ ऑफिसर ने एक रॉबरी को कैसे करके उसका क्रिमिनल को पकड़ा था, कैसे करके चेस करते हुए, क्योंकि ये रॉबरी हुआ था बंगाल और झारखंड बॉर्डर में, करने वाला था झारखंड का वासी और अनदर स्टेट्स हो गया। फिर जब उन लोग को पकड़ने गया तो भाग के चला गया नेपाल, नेपाल से भाग के चला गया वो लोग थाईलैंड बैंकॉक। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट कैसे करके इसको चेस करता है, कैसे करके वो लोग को पकड़ता है, इसके ऊपर बेस्ड है ये फिक्चर। अच्छा, पहली बार जब मुझे एस आर जी सर ने बोला, इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया मुझे, तब ये बहुत एक छोटे स्केल पे एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म, हम लोग इसे वेब सीरीज़ बनाने वाले थे, ऐसा कुछ प्लान चल रहा था। तो इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका एक पिक्चर में, तो पहला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ऑलरेडी था, इसलिए जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने कोई सेकेंड थाट्स नहीं आया। आई वॉज प्रेटी श्योर कि मुझे ये कैरेक्टर निभाना है। उन्होंने जिस तरह से मुझे डिफ़ाइन किया इस कैरेक्टर को, कि क्या मुझे एग्जैक्टली ये कैसा कैरेक्टर है, इसे क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, और उन्हें मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पहले से ही पता है, तो मुझे पता है कि अगर मुझे कोई वो रोल ऑफर कर रहे हैं तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा और मैं उसे अच्छे से निभा पाऊँगा। सो इट वॉज आई डिड नॉट थिंक ट्वाइस, आई जस्ट ग्रैब्ड द ऑफर व्हाटएवर ही प्रेजेंटेड टू मी। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, मेरी डेब्यू मूवी है बॉलीवुड में। मैं एक्चुअली थिएटर को बिलोंग करता हूँ, तो सर आए थे थिएटर में मेरा प्ले देखने के लिए, तो इट वॉज हिज फर्स्ट मीटिंग विद मी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे प्लान कर रहा हूँ मैं मूवी बनाने का, तो उस पर एक नेगेटिव रोल है, ये एक कैरेक्टर है, तो तुम ऑफिस में आओ, आके ऑडिशन दे के जाओ। तो ऑडिशन दिया मैंने, आई क्रैक द ऑडिशन। फिर इनका इसमें जो मेरा रोल है वो है सतेंद्र यादव, जो नेगेटिव रोल है इसमें, वो जो मास्टर माइंड जो इस रॉबरी को अंजाम देता है। तो लाइक मुझे उसका काफ़ी इसमें अप्स एंड डाउन है, उसका काफ़ी शेड्स है इस मूवी में, इसका काफ़ी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, अपराइज कैरेक्टर है। तो फिर सर के संग काफ़ी वर्कशॉप्स की हम लोगों ने यहाँ पे, करने के बाद फिर द मूवी फॉर द मूवी। ओके सर, आप झारखंड से हैं? नहीं नहीं, मैं बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हूँ। ये स्टोरी कहाँ सुनी? ये स्टोरी बंगाल पुलिस का, ये मेरे एक दोस्त है जिससे मैं ये स्टोरी सुना था, एक्चुअली वो किस्सा सुना था। पहले मुझे शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सोचा था, जी में पहले वो शॉर्ट फिल्म होता था, बंगाली फिल्म, बंगाली जी में, जी चैनल में, वो 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा का छोटा छोटा शॉर्ट फिल्म टाइप होता था। तो मैंने सोचा जो मैंने कुछ ऐसे बनाऊँ जो रियलिस्टिक हो और जो दिखने में भी अच्छे लगे पब्लिक को, तो तब कुछ स्टोरी मैंने कलेक्शन किया था, तो वहाँ पर ही मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से ये स्टोरी सुनने को आया। फिर मैंने इसका ऊपर सर्वे किया, बात किया एंड उसका ऊपर रख दिया था। फिर जब मेरा मैम का साथ इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ मी, मीना सेठी मंडल, उनका स्कूल है कोलकाता में, बोर्डिंग स्कूल है, जब उनके साथ मेरा बात हुआ तो वो बताया जाए चलो इसको पहले एक वेब सीरीज़ का ऊपर करते हैं, तो वेब सीरीज़ से हम लोग डायरेक्ट फीचर फिल्म में आ गए। इन्होंने जब मुझे, जब डायरेक्टर साहब ने मुझे ये रोल बताया, समझाया था, तो इन्होंने एक बात कही थी कि ये जो कैरेक्टर है तुम्हारा, ये काफ़ी नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर है, काफ़ी एफिशिएंट है, कम बात करता है, और मतलब हिज एक्शंस आर लाउडर देन हिज वर्ड्स। तो ये मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इस कैरेक्टर के बारे में। और सेकंड इसका और एक आस्पेक्ट है इस कैरेक्टर में, कि ये इसका नाम है इमरान शेख, शेख इमरान, और ये एक मुस्लिम ऑफिसर है, तो कुछ लोग इसकी मज़हब की वजह से इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं मिनिस्ट्री लेवल पर, तो ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है उस पर, कि उसको ये भी साबित करना है कि वो एफिशिएंट है, और एक आस्पेक्ट है छोटा सा इसमें, कि वो अपने परिवार को, अपनी फैमिली टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो ये जो तीनों शेड्स इन पे दिखाए गए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज द आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इन दिस फिल्म। ओके, विलन जब हम प्ले करते हैं, कमिंग अप फ्रॉम थिएटर, विलन प्ले करने में काफी सारे लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो आपके मन में कहीं? मैं इस बात पर बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आजकल विलन और हीरो बोल के ऐसा सच कुछ नहीं है, एवरीथिंग हैज अ कैरेक्टर, अब ये सब कैरेक्टर रोल्स है। मेरा जो कैरेक्टर है इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा, और इसमें काफ़ी भी, जैसे मैंने कहा, इसमें काफ़ी सत्येंद्र यादव जो मेरा रोल है इसमें, काफ़ी काफ़ी शेड्स इसमें, काफ़ी गुस्सा है इसमें, इसमें उसको पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है,
उसमें इसकी इनसिक्योरिटी है कि उसमें पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर पाएगा, उसको इलेक्शन के लिए टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं यहाँ पे। तो ये नेगेटिव रोल जो सत्येंद्र यादव का जो कैरेक्टर है, मुझे इस सर ने जब सुनाया था काफ़ी अच्छा लगा और मेरे पे वो जा भी रहा था, सो दैट्स व्हाई आई एग्रीड फॉर द रोल यहाँ पे। लोकेशन शुरुआत की हम लोग बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, फिर हम लोग झारखंड में शूट किए, झारखंड का बाद फिर हम लोग सिक्किम में शूट किए, नेपाल में शूट किए, हम लोग लास्ट में शूट किए बैंकॉक थाईलैंड में। नहीं, ये स्टोरी मुझे नहीं पता थी, ये इसीलिए कहा गया कि दीज आर एक्चुअली, बहुत कम लोगों को मालूम था ये वारदात हुई थी। दीज पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने ये केस को क्रैक डाउन किया है, दे आर दी अनसंग हीरोज, जिन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो ये कहानी उनको पता चली पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, तभी मुझे भी पता चला कि वाह, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है पुलिस ऑफिसर्स ने, तो इस पर अगर हम लोग फिल्म बनाए, उनको ग्लोरीफाई करें, तो काफ़ी अच्छी बात होगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज को। और सच बात करूँ तो शूटिंग में भी इन लोग को पता नहीं था नेक्स्ट क्या आएगा, कैसे करके मोल्ड होगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कैसे होगा, फिर नेक्स्ट सीजन में कैसा जाएगा, इन लोग को पता नहीं, क्योंकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था और मैं भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा था। हम लोग का सरप्राइज शूटिंग चल रहा था। हाँ, सरप्राइज शूटिंग चल रहा था। यस, बस अराउंड 2.5 से 3 महीने का वर्कशॉप किया हमने। स्क्रिप्टिंग थी काफ़ी यहाँ पे हमने, इसमें इवन मैं बताऊंगा आपको, इवन ऑन शूट हमने काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रोवाइज भी किया है, सर ने हम लोग को स्पेस भी दिया है कि जैसे मेरा रोल है, अगर तुम इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तो काफ़ी हम लोग कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे इस मूवी का ब्रिंग करने के लिए। सबसे पहले क्या है ना, ये वर्कशॉप तो एक नॉर्मल बात है जी, हम लोग वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप एक्चुअली होता है ना बॉन्डिंग, कैरेक्टर वर्कशॉप से ना बॉन्डिंग वर्कशॉप इज मोर इम्पॉर्टेंट। मुझसे मेरा और अमित का, मतलब सत्तू का एंड मुझे इमरान का, फिर इमरान का साथ सत्तू का, और जो जो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा है सबका साथ सबका, एक बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिंग तो ऑन फ्लोर एक्टिंग किया जाता है, हम लोग सब बोलते हैं वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप में इन जनरली डायलॉग के ऊपर उतना हम लोग बेसिकली, मैं भी थिएटर से ही बिलोंग करता हूँ, मैं इतना समझ सकता हूँ जी, एक्टिंग कुछ सिखा ही नहीं जा सकते किसी को, बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीम वर्क, आप कब छोड़ोगे, मैं कब पकड़ूंगा, आपका साइलेंस, मुझे कैसे साइलेंस का उत्तर देना है साइलेंसली, या मैंने वायलेंट करूंगा, ये जो बॉन्डिंग है, इज बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए ये वर्कशॉप इंपॉर्टेंट। टाइम मैचिंग काफी अच्छा है। एग्जैक्टली, इट्स अ टीम गेम ऑफ कोर्स, टीम गेम, ये फैमिली हो गया पूरा, ये लॉन टेनिस नहीं, ये क्रिकेट जैसा गेम। वो कहते हैं कि किसी को आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसके साथ आप ट्रैवल करिए, तो हमने इतने लोकेशंस एक्सप्लोर किए, काफ़ी ट्रैवल किया हमने, साथ उठे बैठे रूम शेयर किया, खाने की टेबल शेयर किए, इतना तो फिर एक दूसरे को जानने में काफ़ी हमें आसानी हुई, हम काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। आई फाउंड अ वेरी गुड फ्रेंड इन फॉर्म ऑफ अमित एंड सर जी, सर को तो मैं पहले से जानता ही था, तो हमने साथ में ट्रैवल किया, तो एक फैमिली जैसी टीम हो गई थी हमारी। स्लैंग लैंग्वेज, मैं जहाँ से मैं पैदा हुआ था बिहार में, बड़ा हुआ झारखंड में, फिर मैं बॉम्बे में और कैलकटा में काफ़ी वक्त बिताया है मैंने, तो जहाँ से मैं आया था वहाँ के लिए काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि अगर रियल लाइफ में अगर हम लोग कहेंगे कि हम लोग ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते तो वो झूठ होगा, सब अपनी रेगुलर लाइफ में भी इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते ही है, पर सेंसर की वजह से हम लोग डेफिनेटली हम लोग ऐसा पर्दे पर नहीं, ऐसे हम लोग ये लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। बट ऊपर से अगर पुलिस है और जब आप एक इमोशन को दिखाना चाहते हो, एक अब उस फ्लो में जाना चाहते हो, तो ये लैंग्वेजेस बहुत ही नेचुरल आती है। दो गाने हैं, बहुत साल बाद कुमार शानू फिर बैक कर रहे इस फिल्म का, कुमार शानू का एक है हर खुशी, ऑलरेडी जी इसको लॉन्च कर चुका है यूट्यूब में, हर खुशी आप देख सकते हो, और एक गाना है भोजपुरी गाना, दैट इज भोजपुरी, इज ए बॉलीवुड भोजपुरी आइटम सॉन्ग, वो भी उसका नाम है 1-2, वो भी ऑलरेडी जी ने लॉन्च कर चुका है, उसका भी व्यूवर्स ज़्यादा है और भी फैल रहा है, पॉपुलर हो रहा है गाना, तो बस ये दो ही गाना है। और बंगाल पुलिस को सैल्यूट करते हुए बंगाल पुलिस के लिए एक टाइटल सॉन्ग है बंगाल पुलिस का ऊपर, बस ये तीनों गाना है हमारा।
और ये प्रोजेक्ट और हम लोग टोटल पुलिस डिपार्टमेंट को डेडिकेट करते हैं। ओके, आपसे जानना चाहूंगी, थिएटर करते हैं और पहली फिल्म आपकी डेब्यू फिल्म थी, तो सर को जानते थे कि कितना भरोसा रखना पड़ा सर के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट फिल्म थी। मैंने जैसा कहा आपको कि थिएटर तो मैं करता था, साथ मुझे ऑडिशन तो देना ही पड़ा यहाँ पे, तो सर के संग वर्कशॉप जैसे कहा सर ने कि हम लोग यहाँ पे कैमरा में आने से पहले हमने वर्कशॉप किया है, वर्कशॉप के मदद भी हमने पहले अपने दूसरे के अंदर एक बॉन्डिंग हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसके बाद ही हम मूवी के लिए प्रोसीड किए हैं। वर्कशॉप में भी अगर मैं फेल ऑडिशन क्रैक करना भी कोई ये नहीं है, वर्कशॉप में भी अगर मैं कहीं फेल कर जाता तो हो सकता है मुझे रिजेक्ट हो जाता इस प्रोजेक्ट के लिए। तो लाइक वी हैड अ गुड बॉन्डिंग थ्रू वर्कशॉप्स, देन वी प्रोसीडेड फॉर द मूवी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो आसान रहा काफ़ी हम लोग के लिए। मूवी 2 अगस्त रिलीज हो रहा है, आप लोग प्लीज़ जाए मूवी को देखे। दो नया बंदा बहुत अच्छा काम किया, आपका पिंक स्टार है बॉलीवुड का, आप लोग स्वागत करिए दोनों को और प्लीज़ मूवी को देखिए और पुलिस डिपार्टमेंट कैसे करके काम करते हैं और फैमिली उसका साथ कैसे सफ़र होते हैं जाइए, और प्लीज़ आप लोग हम सब लोग पुलिस को हेल्प करें, उनका सहायता करें ये समाज को और से और भी ज़्यादा सुधारने के लिए। बंगाली लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना के लिए जी, ये बंगाल पुलिस है इसलिए थोड़ा बहुत, मगर उसका सबटाइटल है पिक्चर में। जैसे मराठी मूवी महाराष्ट्र पुलिस को लेकर होता है थोड़ा बहुत मराठी वर्ड यूज हो जाते हैं, तो लाइक बंगाल पुलिस आतामाजी से अटक ली, तो यहां पे थोड़ा सा बंगाली वर्ड्स यूज किया हमने। क्षमा ऐसे गए, क्षमा ऐसे गए। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। टाइम के साथ चार्जिंग का भी देख लो, क्लोज आएंगे नहीं आप सही थे, हल्का चिंगल ग्लेयर है या आपका अच्छा वो हल्का चिंगल हाँ हेलो हाँ मैम कर दिया फोन कर दिया वन वे मैम उसको दे दीजिए।